ओके अर्जुन, सो लास्ट टाइम हमने कौन से टॉपिक तक कर लिया था? एडसॉर्प्शन पे वीव्स हमने एडसॉर्बेंट पे स्टॉप किया था ना। एडसॉर्बेंट पे स्टॉप किया था, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एडसॉर्बेंट बता दिए थे। ओके यस मैम, चारकोल, सिलिका जेल। और सॉर्प्शन बता दिया था मैंने आपको, द प्रोसेस इन विच एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। नो मैम, हमने एग्जांपल्स रखी की। नहीं, सॉर्प्शन की डेफिनेशन कर ली थी। एडसॉर्प्शन या सॉर्प्शन सॉर्प्शन, सॉर्प्शन नहीं। SORPTION। ओके, सो यहाँ सॉप्शन से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था एड्सॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, और डीजॉर्प्शन बता दिया था, राइट? यस मैम। एक बारी और ब्रीफ कर लेते हैं। एड्सॉर्प्शन क्या होता है कि अगर ये कोई मॉलिक्यूल है और जो फॉरेन पार्टिकल्स आने हैं, अब ये मॉलिक्यूल कैसा बिहेव करेगा, ये क्या होगा, ये एड्सॉर्बेंट होगा, जो अट्रैक्ट कर रहा है, और जो अट्रैक्ट हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट, ठीक है। जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब होंगे उनको हम बोलेंगे एड्सॉर्बेट। तो एड्सॉर्प्शन में क्या होगा कि वो सिर्फ सरफेस पे ही रहेंगे, ठीक है, तो ये होंगे एड्सॉर्बेट। एब्सॉर्प्शन में क्या होगा कि मॉलिक्यूल है, पार्टिकल्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो उसके अंदर भी जा रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके अंदर भी जा रहे हैं और वो उसके सरफेस पे भी हैं, सरफेस से फिर अंदर पेनिट्रेट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये होगा एब्जॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन क्या होगा कि जो पार्टिकल्स जो एड्सॉर्बेड थे, जो पार्टिकल्स एड्सॉर्ब हुए थे उनका रिमूवल, उसको हम बोलते हैं डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन को हम और क्या कह सकते हैं, इट कैन बी कॉल्ड एज रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ओके, ये तीन पॉइंट हम कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉर्प्शन से। सॉर्प्शन क्या होता है? सॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जहां पर एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ओके, अब इसका एग्जाम्पल कैसा है, जैसे आपके पास कोई कॉटन है, कॉटन का पीस है, और आपने उसके ऊपर डाई के ड्रॉपलेट्स डाले हैं। अब वो डाई क्या करेगी कि कुछ डाई जो है वो कॉटन के ऊपर भी कलर देगी और कुछ डाई जो होगी वो कॉटन एब्जॉर्ब भी कर लेगा, ठीक है, तो क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो ये एग्जाम्पल होता है सॉर्प्शन का। ओके, यस मैम। ठीक है। अब एक टर्म हो गई सॉर्प्शन, नेक्स्ट टर्म हमें यहाँ पे क्या पढ़नी है, हमें यहाँ पे नेक्स्ट टर्म पढ़नी है ऑक्लूजन। व्हाट इज ऑक्लूजन? ऑक्लूजन, ऑक्लूजन जो है ना, इट इज अ स्पेशल केस, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का स्पेशल केस है। अब स्पेशल कैसे है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स द सब्सटेंसेस दैट आर एड्सॉर्ब उनको क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट, यस एंड द सब्सटेंसेस ऑन विच एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस इट इज एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट। ओके, इन ऑक्लूजन एड्सॉर्बेट इज गैस एंड एड्सॉर्बेंट इज सॉलिड। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको आप सिंपल डेफिनेशन फॉर्म में कैसे बोल सकते हो, द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स इज कॉल्ड ऑक्लूजन। ओके, इसका एग्जाम्पल कैसा है, जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस पढ़ी है एल्कीन की, 11th क्लास में एल्कीन होता था, यहाँ पे हम इसका हाइड्रोजिनेशन करते थे, कैसे, यहाँ पे हम H2 गैस लेते थे और साथ में हम कोई मेटल लेते थे, जैसे निकल लेते थे या पैलेडियम लेते थे या प्लैटिनम लेते थे, रिमेम्बर?
अब ये जो निकल ये प्लैटिनम और पैलेडियम जो थे ये सॉलिड होता है और H2 गैस जो होता है H2 जो होता है हाइड्रोजन वो गैस होता है. तो अब इसमें हमें क्या मिलता था, हम हाइड्रोजनेशन करते थे तो ये डबल बॉन्ड जो था वो ब्रेक होता था और दोनों हाइड्रोजन जो थे वो दोनों तरफ अटैच हो जाते थे ऐसे, ठीक है, और हमें मिल जाता था एक एल्कीन. अब ये ऑक्लूजन कैसे है, इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इंटरनली क्या होता है, पहले ये गैस गैस जो है वो सॉलिड पर एड्सॉर्ब होता है और उसके बाद जब गैस सॉलिड पर एड्सॉर्ब हो गया फिर वो एल्कीन के साथ रिएक्शन करके एल्कीन देता है. तो यहाँ पे एड्सॉर्बेट क्या है, एड्सॉर्बेट यहाँ पे गैस है जो कि सॉलिड पर एड्सॉर्ब हो रहा है, एड्सॉर्बेंट पर एड्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है. तो ये हो गया ऑक्लूजन. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट. हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन. अब ये एग्जांपल्स बहुत अच्छे से देखना क्योंकि इन्हीं तीन एग्जांपल्स में से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है. देखो फर्स्ट है हमारे पास सिलिका जेल, सिलिका जेल. अब ये एड्सॉर्बेंट है तो ये एड्सॉर्ब करेगा, एड्सॉर्ब्स वाटर वेपर, ठीक है. व्हाइल सिलिका जेल एड्सॉर्बेंट था, गुड एड्सॉर्बेंट है तो ये एड्सॉर्ब कर रहा है वाटर वेपर को. व्हाइल एनहाइड्रस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एब्सॉर्ब्स, वो एब्सॉर्ब करता है वाटर वेपर को. अब एनहाइड्रस CaCl2 अच्छा एब्सॉर्बेंट नहीं है, वो एड्सॉर्बेंट नहीं है, वो एब्सॉर्ब कर रहा है वाटर वेपर को. और अगर एब्सॉर्ब कर रहा है तो वो कुछ प्रोडक्ट बना रहा होगा, तो CaCl2 वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके बनाता है CaCl2.2H2O. तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आता है कि आपको बोलते हैं कि सिलिका जेल जो है वो एड्सॉर्ब करेगा, वो वाटर वेपर के साथ क्या शो करेगा, एड्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन या सॉर्प्शन. तो यू नीड टू रिमेम्बर दैट सिलिका जेल एड्सॉर्ब्स वाटर वेपर व्हाइल एनहाइड्रस CaCl2 इट शोस एब्सॉर्प्शन. द सेकंड एग्जांपल इज अमोनिया गैस. मैम फर्स्ट इज एब्सॉर्प्शन राइट मैम, एड्सॉर्प्शन बिकॉज़ इट एड्सॉर्ब्स, बिकॉज़ सिलिका जेल इट इज एन एड्सॉर्बेंट, इट इज अ गुड एड्सॉर्बेंट एंड वाटर पार्टिकल इज अ एड्सॉर्बेट. So it will show adsorption. Okay. NH3 gas, it absorbs on charcoal. While NH3 gas absorbs in water. Now NH3 gas water के साथ absorb कर रहा है तो क्या product दे रहा होगा, it will give ammonium hydroxide. The third and the last example is sorption of dye. So this is an example of sorption. क्या था कि cotton dye थी, cotton थी हमारे पास, उसके ऊपर हमने dry के drops डाले तो adsorption भी हुआ और absorption भी हुआ, दोनों ही phenomena हुए. तो sorption of dye takes place on cotton fibers. That is, dyes are adsorbed as well as absorbed. Okay, so these are the three examples. इसको आप as it is समझ के याद कर लेना और अगर इस part से question आता है तो इन्हीं तीन examples से ही आएगा. Okay. Second one is absorption. Third is second, sorption. इसमें दो second one, इसमें दो cases हैं. अगर NH3 gas जो है charcoal के ऊपर है तो वो एड्सॉर्प्शन शो करेगा, अगर इसी अमोनिया गैस वाटर के साथ है तो वो एब्सॉर्प्शन शो करेगा एंड इट विल फॉर्म दिस प्रोडक्ट. ओके ओके ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक्स. Are you noting it down or you are taking the screenshot? Noting, ma'am. Okay.
The next topic is thermodynamics of adsorption. I will tell you about each and every topic जो इस heading से cover होता है and all the possible questions from here. So thermodynamics of adsorption. Now the first will be enthalpy. What is enthalpy? Heat of reaction. What is enthalpy? Heat of reaction. No. In thermodynamics, what we study about enthalpy? Enthalpy is the amount of heat that is required by a system. You must have studied in your 11th class. It is the amount of heat required by a system to raise the temperature of a substance, of a system by 1 degree Celsius. Okay. Here we don't need to, here we are not concerned about the definition, but understand that enthalpy, it is the heat of a reaction. And for this enthalpy, we will be writing it as delta H AD. This AD is not adiabatic. This AD is for adsorption. Okay. Now, during adsorption, जब भी adsorption होता है, adsorption क्या है कि मान लो आपके पास एक duster है blackboard का, ठीक है, और उस duster के ऊपर chalk particles हैं. अब ये chalk particles जो हैं, they are only on the surface, वो duster के अंदर enter नहीं करते, तो ये कौन सा phenomena होगा? ये adsorption होगा. Yes, कि वो सिर्फ एक सरफेस पर रह रहे हैं, ठीक है. तो अब जब एड्सॉर्प्शन होता है तो पार्टिकल्स जो सरफेस के साथ अटैच हो रहे हैं तो वो दो तरह के बॉन्ड शो करते हैं. एक तो उनमें होता है वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस, वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस, और सेकंड जो बॉन्ड है वो होगा केमिकल बॉन्ड. दो तरह के बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं. एक तो वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस होंगे तो वीक बॉन्ड बनेगा, और केमिकल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनेगा. अब जब भी हमारे बॉन्ड बनता है तो हीट रिलीज होती है. बताओ, जब भी बॉन्ड, ठीक है, तो वहां पर हीट रिलीज होगी. तो दिस हीट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन. ओके, जब भी बॉन्ड हमारा फॉर्मेशन है, बॉन्ड वहां पे फॉर्म कर रहा है, तो क्या होगा, हीट की वहां पे रिक्वायरमेंट होगी, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा. जब भी बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हीट वहां रिलीज होगी, मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और अगर एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव. ओके, अब एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लेस देन जीरो. कैन वी से इट? यस. ठीक है, अब डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लेस देन जीरो. तो दिस इज जो हमें एंथैल्पी में पढ़ना था, ये फर्स्ट है विच नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड. इसका लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे, वहां पे ये रिलेशन यूज होगा. तो दिस वॉज एंथैल्पी ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन. ओके, नाउ Now the second is entropy. Entropy क्या होती थी? Delta S से resemble करते थे. Entropy was degree of randomness. जब हम thermodynamics में पढ़ते थे कि जितनी ज्यादा randomness बढ़ेगी उतनी ज्यादा entropy होगी. ठीक है, तो अब क्या होता है कि adsorption है, वही आप imagine करो कि आपके पास एक duster है और उसके ऊपर chalk के यहाँ पे particles deposit हो गए हैं. अब जितने ज्यादा आपके पास पार्टिकल्स जो हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं ये पार्टिकल्स. ठीक है, जितने ज्यादा पार्टिकल्स आते जा रहे हैं, मान लो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स आ रहे हैं डस्टर के ऊपर, तो उससे क्या होगा, रैंडमनेस क्या होती है कि जो पार्टिकल्स जो हैं हमारे, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो अच्छे से हो पाए. तो जितने ज्यादा मूवमेंट उनकी विग्रेस होती है उतनी ज्यादा रैंडमनेस होती है. और आपने पढ़ा भी होगा कि अगर हम एंट्रोपी को कंपेयर करते हैं गैसेस के लिए तो वो सबसे ज्यादा होती है, देन लिक्विड्स, देन सॉलिड. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस. गैसेस जो होते हैं वहां पे लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जिसकी वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन जो होती है वो मिनिमल होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं इधर उधर घूमने के लिए.
तो उसमें रैंडमनेस जो होगी वो ज्यादा होगी। अब मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि आप मान रहे हो कि आपके पास एक डस्टर है और उसके ऊपर चौक के पार्टिकल्स हैं। अब मान लो कि पार्टिकल्स जो है वो आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो रैंडमनेस क्या होगी, रैंडमनेस डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? डिक्रीज मैम। इंक्रीज, डिक्रीज मैम, डिक्रीज। हाँ राइट, तो रैंडमनेस क्या करेगी यहाँ पे, डिक्रीज करेगी। तो अगर रैंडमनेस डिक्रीज कर रही है, रैंडमनेस इज द डिग्री ऑफ एंट्रोपी, तो डेल्टा एस विल फॉर एड्सॉर्प्शन विल बी लेस देन जीरो, कैन वी से इट? यस मैम। ओके, तो सेकंड रिलेशन हमारे पास आता है डेल्टा एस ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लेस देन जीरो। द थर्ड फैक्टर वी विल बी स्टडिंग विल बी फॉर गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा 11th में, व्हाट वाज इट? गिव्स हेल्महोल्ट्स इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये पढ़ी थी? डेल्टा एस, यस मैम। ठीक है, तो अब हमने क्या कंक्लूड किया है, हमने कंक्लूड किया कि डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लेस देन जीरो और डेल्टा एस ऑफ एड्सॉर्प्शन भी लेस देन जीरो है, मतलब ये दोनों नेगेटिव है। तो अगर ये दोनों नेगेटिव है तो आप साइन को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ डेल्टा एच माइनस ऑफ टी और ये भी माइनस ऑफ डेल्टा एस, राइट? यस मैम। अगर आप इसको ओपन करोगे माइनस ऑफ डेल्टा एस, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट विल बी टी डेल्टा एस, ठीक है? यस मैम। अब थर्मोडायनेमिक्स में हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस मतलब खुद से होने वाली, तो जितनी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं उनके लिए डेल्टा जी का साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। ये 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि जितनी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं उनके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो अगर आपको एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए तो हमें यहाँ पर भी डेल्टा जी का नेगेटिव साइन चाहिए, राइट? Yes, अब इस केस में डेल्टा जी का नेगेटिव साइन कैसे आ सकता है, जब हमारा डेल्टा एच मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा एच, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस साइन, मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ टी डेल्टा एस। यस मैम। ठीक है, तो वहां पर डेल्टा जी का जो साइन है वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा है कॉन्सेप्ट। अब एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, फॉर एड्सॉर्प्शन। अब देखो, अगर डस्टर के ऊपर, वही एग्जांपल की डस्टर के ऊपर सॉल्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, जो चौक पार्टिकल्स डिपॉजिट हो रहे हैं, तो वो कोई करवा नहीं रहा है, वो खुद से आ रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका फैन है, फैन के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल्स खुद से आ गए हैं, तो ये भी एक तरह की स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई जो खुद से हो रही है। तो इसका मतलब ये कि जितनी भी हमारी एड्सॉर्प्शन वाली रिएक्शंस होती हैं, ऑलमोस्ट सारी एड्सॉर्प्शन रिएक्शन वो हमारी स्पॉन्टेनियस होती है। Yes, ma'am. ठीक है, और अगर वो सारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं तो उन सबके लिए डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ये कि उन सबके लिए मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ टी डेल्टा एस। यस मैम। दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव always is always true for adsorption. ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या कंक्लूजन आया, हमारे पास कंक्लूजन आया कि फॉर एड्सॉर्प्शन हमारे पास क्या क्या है, वी हैव डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन लेस देन जीरो, वी हैव डेल्टा एस ऑफ एड्सॉर्प्शन लेस देन जीरो, डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव तो होता ही है, विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर एड्सॉर्प्शन, एंड वी कैन से दैट मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा एच इज मोर देन मॉड्यूलस ऑफ टी डेल्टा एस। ओके, तो ये सब चीजें हमें इसमें थर्मोडायनेमिक रिलेशंस में स्टडी करनी थी। ठीक है, एंड ये आपको याद रखनी है एज इट इज, इनके बेसिस पे ही क्वेश्चन आते हैं। एक इसमें थर्मोडायनेमिक्स में एक और कंसेप्ट रह गया है, वो कंसेप्ट है कि हम इक्विलिब्रियम के लिए भी देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है। अब इक्विलिब्रियम में हमें पता है कि डेल्टा जी जो होता है गिव्स फ्री एनर्जी जीरो होता है, जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, दिस इज एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। ठीक है,
ये इक्विलिब्रियम पे ये जीरो होता है, तो अगर ये जीरो हो गया तो हमारे पास क्या रिलेशन था, हम लिख रहे थे डेल्टा एच, ये वाला रिलेशन, ये वाला माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एच। तो हमारे पास क्या था, जीरो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। तो अब डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाएगा, और टी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एस बाय डेल्टा एच। तो एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम पे जो यहाँ पे टी टेम्परेचर है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा एच। क्लियर? तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन, नोटेड डाउन। फिर आगे चलते हैं। डन? यस मैम, 1 मिनट। ओके। यस मैम। ओके। Now the next topic will be factors affecting adsorption of gases on solids. Factors affecting adsorption of gases on solids. Okay, अब आप बताओ कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इट इज एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, सो इट इज ऑक्लूजन। ऑक्लूजन क्या होता था, जहां पर एड्सॉर्प्शन होता था गैसेस का ऑन सॉलिड्स। सो दिस इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, सो इट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्लूजन। सो द फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया। ओके, अब इसको आप कैसे समझोगे? सबसे पहले रिलेशन देखो, एड्सॉर्प्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के साथ। इसके लिए हमारे पास क्या एग्जांपल है, कि हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास एक डस्टर था, ठीक है, और हमारे पास एक ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। अब डस्टर के पास छोटा सरफेस एरिया है तो उसमें कम एड्सॉर्प्शन होगा चॉक पार्टिकल्स का, और बोर्ड के पास ज्यादा सरफेस एरिया है तो उसमें एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा चॉक पार्टिकल्स का। So can we say that adsorption is directly proportional to surface area? Yes, ma'am. Okay. यही था first point surface area का. Second point is temperature. ठीक है. Adsorption is inversely proportional to temperature. अब इसके लिए आप क्या एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो कि वैसा ही डस्टर के ऊपर चॉक पार्टिकल्स थे, ठीक है, चॉक पार्टिकल्स नहीं, इस बार हम कह रहे हैं कि गैस का एड्सॉर्प्शन है। देखो हमने बोला था एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, तो यहाँ पे आप चॉक पार्टिकल का मत समझो, आप समझो कि आपके पास डस्टर है और वहां पे O2 गैस का एड्सॉर्प्शन होना है, तो यहाँ पे कम सरफेस एरिया है तो कम O2 गैस जो है सरफेस पे एड्सॉर्ब होगी, और चौक ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा O2 गैस जो है वो एड्सॉर्ब होगी, ठीक है। वैसे ही हम टेम्परेचर के लिए पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास डस्टर है और यहाँ पे O2 गैस का एड्सॉर्प्शन हुआ है, ठीक है, इतने ही सरफेस एरिया पे उसका एड्सॉर्प्शन हुआ है। अब अगर हम टेम्परेचर दे दें, टेम्परेचर अगर यहाँ पे इंक्रीज करें, यहाँ पे हम हीट दें, एनर्जी उसकी दे रहे हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज हो सकता है, जो O2 गैस का इस डस्टर के साथ बॉन्ड्स जो बने थे, जो फोर्सेस थे, उनके बीच में ब्रेकेज हो सकता है। यस मैम, क्योंकि जब भी आप एनर्जी देते हो तो बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो जब बॉन्ड ब्रेकेज होगा टेम्परेचर देने पे तो बॉन्ड ब्रेकेज से एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी। जितने भी O2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सरफेस के साथ बॉन्डेड होंगे, अगर उनके बीच में बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएं तो एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी ना, जितना अमाउंट एड्सॉर्ब हुआ होगा।
यस मैम, तो इसीलिए हम कहते हैं कि एड्सॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द बॉन्ड क्लीवेज. ओके, तो इसी वजह से एक अगर हम रफ ग्राफ ड्रॉ करते हैं एड्सॉर्प्शन और टेम्परेचर में, तो एक्सपेरिमेंटली दिस गिव्स एन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज. ओके, ये डिक्रीज थोड़ा ऐसे आता है, दिस गिव्स एन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज. ओके, दिस वॉज द सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग. नाउ द थर्ड फैक्टर इज प्रेशर. ओके, जस्ट लाइक सरफेस एरिया, एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ओके, एंड द ग्राफ फॉर दिस इज दिस, दिस इज प्रेशर, दिस इज एड्सॉर्प्शन, एंड द ग्राफ इज लाइक दिस. नाउ व्हाई द ग्राफ इज लाइक दिस, बिकॉज देखो अगर आपके पास एक ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, और उसके पास कैपेसिटी है कि वो 200 पार्टिकल्स को एड्सॉर्ब कर सकता है, ठीक है. यस मैम, ठीक है, और हमने क्या किया, हमारे पास 195 O2 मॉलिक्यूल्स थे और जो एयर में और होते हैं, मतलब 195 O2 है वो एड्सॉर्ब यहाँ पे कर गए, तो हमारे पास अब कैपेसिटी बच गई पांच की, पांच पार्टिकल्स की. ठीक है, तो पांच पार्टिकल्स मान लो नाइट्रोजन जो है उसके वहां पे डिपॉजिट हो गए, तो इसकी कैपेसिटी जो थी वो फुल हो गई. अब हम पढ़ते हैं कि एड्सॉर्प्शन जो होता है, प्रेशर को इंक्रीज करने से एड्सॉर्प्शन बढ़ता है. मतलब यहां से यहां तक क्या हुआ कि हम प्रेशर बढ़ाते गए, एड्सॉर्प्शन होता गया. अब ये लाइन जो है ये कॉन्स्टेंट क्यों आती है, अब ये होता है कि अब प्रेशर बढ़ाने से और एड्सॉर्प्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो सैचुरेशन जो एक पॉइंट होता है ना, जहां पर और प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन नहीं होता, यहाँ पर वो आ गया है. और यहाँ पर क्या हुआ कि अब और प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन जो है वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आती है कि मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स का कैपेसिटी थी 200 पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करने की, अब आप इसमें कितना भी प्रेशर बढ़ा दो ये और पार्टिकल्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, एड्सॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है. तो अब आप प्रेशर चाहे बढ़ाते रहो पर आपका एड्सॉर्प्शन होगा नहीं, तो एड्सॉर्प्शन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है. यहाँ पे क्या था कि प्रेशर हम बढ़ा रहे थे, इधर से प्रेशर बढ़ रहा था और इधर से एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा था, समझे. यस मैम, तो ये ग्राफ समझ आ गया ना, क्योंकि ये ग्राफ आगे भी यूज होगा. ओके मैम, ठीक है. नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ गैस. नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैसेस में हमने पढ़ना होता है कि इजिली लिक्विफिएबल गैसेस, इजिली लिक्विफिएबल गैसेस एड्सॉर्ब मोर रेडिली. इजिली लिक्विफिएबल गैसेस कौन सी होती हैं, जो गैसेस इजिली लिक्विफाई हो जाए. ओके, सो एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफैक्शन. लिक्विफैक्शन क्या होता है पता है? मैम, द एबिलिटी टू टर्न फ्रॉम गैस टू लिक्विड. तो लिक्विफैक्शन में बेसिक कंसेप्ट इज कि गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो पास आते हैं और लिक्विफैक्शन होता है, ठीक है. अब लिक्विफैक्शन में भी ये है कि गैस के पार्टिकल्स दे आर अट्रैक्टेड और वो वहां पर रहते हैं और वहां पे जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है वो गैसेस. और एड्सॉर्प्शन क्या होता था, द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग एट द सर्फेस, जो पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते थे और रिटेन करते थे. तो दोनों में ही अट्रैक्शन का फिनोमिना है, तो एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफैक्शन. ओके, नाउ लिक्विफैक्शन आपको पता होगा कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर. व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, किसी भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर वो लास्ट टेम्परेचर होता है जब आपको लिक्विड मिलेगा, उस टेम्परेचर के बाद यू विल गेट गैसेस. ओके, सो लिक्विफैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर,
एंड वॉट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर इज इक्वल टू, आपने जब गैशियस स्टेट पढ़ा होगा तो उसमें होता है इट इज 8A/27 RB. ओके, नाउ देखो ये आर जो होता है ये तो गैस कॉन्स्टेंट होता है, 27 और 8 ये सारी वैल्यूज जो है ये कॉन्स्टेंट है. ठीक है, अब अगर ये कॉन्स्टेंट है तो आप कह सकते हो टी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बाई बी. अब आपने वॉन्डरवॉल वो पढ़ी है इक्वेशन, जैसे आइडियल गैस की इक्वेशन होती है वॉन्डरवॉल इक्वेशन होती है, उस वॉन्डरवॉल इक्वेशन में जो ए होता है दिस ए इज फॉर अट्रैक्शन क्रिटिकल टेम्परेचर में भी और वहां पे भी, दिस बी इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, दिस बी इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और वी कैन से इट इज इक्वल टू द पार्टिकल साइज. ओके, अब देखो जैसे जैसे अट्रैक्शन जो है वो बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स जो है उनमें अट्रैक्शन बढ़ रही है, मॉलिक्यूल्स जो है वो पास आ रहे हैं, अगर वो पास आ रहे हैं तो उनका क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्रिटिकल टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिक्विफैक्शन के, तो लिक्विफैक्शन इंक्रीज होने लगेगा, और अगर लिक्विफैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो वो एडसॉर्प्शन बढ़ने लगेगा. ठीक है, ठीक है. अब दूसरे तरीके से आप कैसे कह सकते हो, यू कैन रिलेट इट टू पार्टिकल साइज, दैट इफ द पार्टिकल साइज इंक्रीजेस सो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज. सो लिक्विफैक्शन विल डिक्रीज, सो एड्सॉर्प्शन विल डिक्रीज. सो विद इंक्रीज इन अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स adsorption it increases and with increase in the particle size adsorption decreases. Yes, ma'am. Or you can say that ठीक है, so this was जो एड्सॉर्प्शन का था, दिस वाज फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन. अब यहाँ पर जो गैसेस होती हैं उनका एड्सॉर्प्शन का एक ऑर्डर होता है, एड्सॉर्प्शन ऑर्डर फॉर गैसेस. सबसे पहले H2 जो है उसका लीस्ट एड्सॉर्प्शन होता है, देन इट इज फॉर N2, देन O2, देन CO. अब सारे कार्बन वाले आएंगे, CH4 एंड CO2. पहले कार्बन मोनोक्साइड, फिर मीथेन का, फिर CO2 का, उसके बाद HCl, NH3 एंड SO2. ओके, अब ये आप कैसे रिलेट करोगे, अगर इन गैसेस का एड्सॉर्प्शन ऑर्डर ये है तो इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का लिक्विफैक्शन सबसे ज्यादा होगा और इसकी टेंडेंसी होगी कि ये जल्दी कन्वर्ट हो जाए, और अगर इसका ये एड्सॉर्प्शन ऑर्डर हो गया तो डायरेक्टली आप ये ऑर्डर लर्न कर लोगे, तो आप इन रिलेशंस को यूज करके किसी के लिए कुछ भी निकाल सकते हो कि किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसमें लिक्विफैक्शन ज्यादा होगा, किसमें कम होगा. अंडरस्टूड? यस मैम. तो ये ऑर्डर एज इट इज लर्न कर लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं है. फर्स्ट आपको ऑक्सीजन रखना है, फिर नाइट्रोजन जो एयर में है, और फिर हाइड्रोजन, उसके बाद तीनों आपके पास कार्बन वाले आते हैं, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर डाइऑक्साइड आता है, और फिर बीच में मीथेन है, फिर HCl, अमोनिया एंड SO2. ओके, यस मैम. ओके, नोटेड डाउन. नोटेड मैम. ओके, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आ जाता है, इसका आपको एक टेबल भी मिलेगा, फिजिक्स ऑप्शन और केमिस ऑप्शन का एनसीईआरटी में, तो उस टेबल को आपको. हेलो, अभी ठीक है? यस मैम. अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो फिजिक्स ऑप्शन और केमिस ऑप्शन का होगा, इसका एक डिफरेंस का टेबल आपका एनसीईआरटी में गिवन है. ठीक है, उस टेबल को एज इट इज लर्न करना है. अब क्या है कि कुछ पॉइंट्स किसी बुक में अलग है, कहीं पे अलग है, बट
अगर हमें कोई बोलता है कि हम किस पे रिलाय करें तो हम एनसीईआरटी पे ही करेंगे, क्योंकि वो एक सॉलिड प्रूफ है दिखाने के लिए कि दैट वी आर राइट. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. देर आर टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. फर्स्ट इज फिजी ऑप्शन, फिजी सॉप्शन, एंड सेकेंड इज केमी सॉप्शन. दिस फिजी ऑप्शन इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमीज ऑप्शन इज केमिकल एड्सॉर्प्शन. ओके, इसको हम स्टार्ट ही उस टेबल से करेंगे. हाफ टेबल हम आज करेंगे और हाफ टेबल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, देखो फर्स्ट आप अगर एनसीईआरटी की बुक है तो उसको ओपन कर लो और उसी के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे. हर एक पॉइंट को पहले समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. देखो, फिजीज ऑप्शन, इट अराइजेस बिकॉज ऑफ वॉन्डरवॉल फोर्सेस. ठीक है, अब फिजीज ऑप्शन देखो, फिजीज ऑप्शन जो है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है एंड इट इज बिकॉज ऑफ वॉन्डरवॉल फोर्सेस. वॉन्डरवॉल फोर्सेस हमारे वीक फोर्सेस होते हैं. ठीक है, तो इसमें एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं होती है, बस इसमें माइनर बॉन्डिंग होती है, दैट इज ऑल्सो विद वीक फोर्सेस. ओके, देन केमीज ऑप्शन, इट अराइजेस ड्यू टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन. नाउ अगर वहां पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो केमिकल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारा कब बनेगा, जब हमारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, राइट? जब एक केमिकल रिएक्शन होगी. तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट. सो एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट रिएक्ट एंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड. ओके, और जब ये दोनों रिएक्ट करके बॉन्ड फॉर्म करते हैं, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड. And it is chemical adsorption. Clear? Yes, ma'am. Second point है फिजीज ऑप्शन के लिए, that it is not specific in nature. It is not specific in nature. Now, what is the meaning of this? देखो, आपका जो रूम है, आपके रूम में O2 and N2 दोनों ही गैसेस हैं. ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है. अब O2 जो है वो एड्सॉर्ब हो रही है, इट इज एड्सॉर्ब्ड बिफोर N2. ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप एड्सॉर्प्शन का ऑर्डर जो मैंने आपको लिखवाया था यहाँ पे, अगर आप वो देखोगे तो O2 का एड्सॉर्प्शन जो है वो N2 से ज्यादा है. अगर O2 का एड्सॉर्प्शन N2 से ज्यादा है तो क्या हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल ऑर्डर ऑफ O2, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ O2 इज लेस देन क्रिटिकल, इज मोर देन क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ N2? ठीक है, तो O2 जो है वो पहले एब्जॉर्ब करेगा, O2 जो है वो पहले एब्जॉर्ब करेगा और फिर N2 एब्जॉर्ब करेगा. पर एब्जॉर्ब जो है वो दोनों कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ O2 एब्जॉर्ब करेगा या फिर N2 एब्जॉर्ब करेगा. तो इसीलिए हमने कहा कि ऐसा हो सकता है कि O2 का एब्जॉर्प्शन हो जाए और उसके बाद N2 का भी एब्जॉर्प्शन हो जाए. तो इसीलिए हमने कहा कि दैट इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, कोई भी गैस एब्जॉर्ब हो सकती है. अब इसमें क्या होता है सेकेंड पॉइंट, दैट इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. अब देखो, क्योंकि हम केमीज ऑप्शन में क्या पढ़ते हैं कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन करेंगे. ठीक है, अब कोई हमारा एड्सॉर्बेंट है, कोई हमारा एड्सॉर्बेंट है. अब ऐसा नहीं है ना कि हर एक एड्सॉर्बेंट जो है एड्सॉर्बेंट के साथ कंबाइन करके केमिकल बॉन्ड बना देगा, जैसे लॉक इन की मैकेनिज्म होता है. एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एड्सॉर्बेंट के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एड्सॉर्बेंट होना चाहिए. ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं दैट इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. इसका मतलब क्या हुआ, दैट स्पेसिफिक
एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट रिक्वायर्ड होते हैं, स्पेसिफिक एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट रिक्वायर्ड. क्लियर? व्हाई इट इज नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक. ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट होता है, इसी को हटा रही हूं मैं. ओके, इसका थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है बुक में? इट इज रिवर्सिबल इन नेचर. और केमी वाले के लिए दिया होगा इट इज इरिवर्सिबल. अब ये कैसे रिवर्सिबल, कैसे इरिवर्सिबल है, देखो. अब मान लो कि किसी सरफेस पे O2 का एड्सॉर्प्शन हो गया है, ठीक है, और अगर हमें O2 जो है हमारा एड्सॉर्बेट है, O2 जो हमारा एड्सॉर्बेट है, अगर इस एड्सॉर्बेट को हटाना हो तो हम क्या टेक्निक यूज करते हैं? डीसॉर्प्शन. ठीक है, अब O2 को हटा के हम O2 का डीसॉर्प्शन किया और फिर हम N2 का एड्सॉर्प्शन भी करा सकते हैं, N2 को एड्सॉर्बेट भी बना सकते हैं, फिर हम N2 को हटा सकते हैं, N2 का डीसॉर्प्शन करा सकते हैं, फिर मान लो H2 का हमें करवाना हो, फिर चाहे हमें HCl का कराना हो, तो ये एक रिवर्सिबल है कि एक को हटा के आप दूसरा का करवा रहे हो, फिर दूसरे को हटा के फिर आप कोई और करा रहे हो. तो इसलिए हमने कहा कि इट इज रिवर्सिबल इन नेचर. इरिवर्सिबल कैसे है? इरिवर्सिबल हमने केमिस्ट ऑप्शन में क्या पढ़ा कि हमारा एक एड्सॉर्बेंट है, वो एक एड्सॉर्बेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है और वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे रहा है. अब ये प्रोडक्ट जो है ये एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट भी दे सकता है, पर ये क्यों नहीं देगा? क्योंकि प्रोडक्ट जो है उतने ही टाइम में वो हीट करके कुछ और अपना प्रोडक्ट बना सकता है, डी प्रोडक्ट उसने बना दिया. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट आपने बना दिया फिर उसको हटा के डीसॉर्प्शन करके आप एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट आपको मिल जाए, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बना है वो अपना ही एक रिएक्शन करके कोई और प्रोडक्ट बना सकता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि इररिवर्सिबल होता है नेचर में. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Depends on the nature of gas physics option. Yeah. So the fourth point is it depends on nature of gas. Okay. More easily liquefiable gases are adsorbed easily, right? अब मैं अब ये तो explain मैं पहले आपको कर चुकी हूँ कि जो ज्यादा easily liquefiable gases होंगी वो ज्यादा जल्दी adsorb हो जाएंगी क्योंकि उनका critical temperature उतना ही ज्यादा होगा. और physics option क्या है? Physics option जो van der Waals forces के साथ deal करता है, तो वो nature of gases पे depend करेगा कि कितनी ज्यादा easily liquefiable gases हैं वो उतनी जल्दी कर जाएंगी. अब केमिस ऑप्शन क्या है? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस. ठीक है, गैसेस विच कैन रिएक्ट विद द एड्सॉर्बेंट वो शो करती है केमिस ऑप्शन. तो ये भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, बट एड्सॉर्बेंट के साथ हर तरीके की जो एड्सॉर्बेंट गैस होती है वो बॉन्ड नहीं बना सकती, तो वो स्पेसिफिक होगी, ये भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट गैसेस जो रिएक्ट करती है एड्सॉर्बेंट के साथ वो केमिस ऑप्शन शो करेगी. तो डिफरेंस समझ आया? मैम आप एक और बार डिफरेंस समझा सकते हो दोनों पॉइंट्स में? ये वाले में? यस मैम. इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम कह रहे हैं दोनों ही नेचर ऑफ गैसेस पे डिपेंड करती है, पर फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है कि जो इजीली लिक्विफेबल गैसेस हैं वो एड्सॉर्ब हो रही है इजीली. ठीक है, अब वो कोई भी गैस हो सकती है, हमारे एड्सॉर्बेंट है, मान लो ये हमारा एड्सॉर्बेंट है, तो इसके उसके ऊपर जो भी इजीली लिक्विफेबल गैस होगी वो एड्सॉर्बेंट हो जाएगी एक्स वाई जेड. पर केमिकल केमिस ऑप्शन में क्या होता है कि एड्सॉर्बेंट और उस गैस
जो एड्सॉर्बेट होता है और एड्सॉर्बेंट के बीच में वहां पे केमिकल बॉन्ड बनता है। तो हर एक एड्सॉर्बेंट के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गैस जो कि एड्सॉर्बेट है वो होनी चाहिए, तभी वो बॉन्ड बना पाएगा, हर किसी के साथ वो नहीं बना सकता। इसीलिए हम कहते थे कि हाईली स्पेसिफिक होता है नेचर में। तो हम वही कह रहे हैं कि केमिसॉर्प्शन भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, बट गैसेस जो रिएक्ट करती हैं हमारे एड्सॉर्बेंट के साथ वो शो करती हैं केमिसॉर्प्शन। ओके क्लियर। अब फिफ्थ पॉइंट इसमें है कि एन्थैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, एन्थैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो लो होगी। क्या आप बता सकते हो क्यों होगी लो? 20-40 किलो जूल पर मोल और इसमें हाई होगी, बता सकते हो? फर्स्ट पॉइंट से रिलेट होगा ये। मैम दिस डेल्टा जी का वैल्यू कम होगा? नहीं, डेल्टा जी उससे नहीं डिपेंड करेगा, वो तो नेगेटिव ही होगा स्पॉन्टेनियस के लिए। ये डिपेंड करता है कि हमने बोला कि फिजिक्स ऑप्शन में वंडरवॉल फोर्सेस हैं, राइट, और वो फोर्सेस वीक होते हैं। अगर वो फोर्सेस वीक हैं तो उनको कम हीट की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए हीट ऑफ द रिएक्शन कम होगी और एंथैल्पी यहाँ पे लो होगा। यहाँ पे हमने पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड्स हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे तो ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इसकी एंथैल्पी जो होती है वो 80-240 किलो जूल पर मोल होती है। क्लियर? ओके। एक लास्ट पॉइंट इसमें और कर लेते हैं, सिक्स पॉइंट, और रेस्ट ऑफ द डिफरेंसेस हम कल करेंगे, ठीक है? सिक्स पॉइंट क्या है? सिक्स पॉइंट इज दैट फिजिक्स ऑप्शन, अब इसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसमें एंथैल्पी जो है इट इज लो, एंड इसमें एंथैल्पी जो है द एंथैल्पी इज हाई। ओके, अब फिजिक्स ऑप्शन में क्या है, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। लो टेम्परेचर तो फेवरेबल होगा ही, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ही ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाते हैं ड्यू टू वीक फोर्सेस। एंड इसके लिए क्या होगा, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। केमिस ऑप्शन, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। तो ये एक पॉइंट है, ये इसके डिफरेंसेस हैं सिक्स जो हमने आज किए हैं, और लगभग 3 या 4 डिफरेंसेस रह गए हैं जो हम इसके कल करेंगे, ठीक है? कल आपकी क्लास है ना, मतलब आपने कल ज्वाइन क्यों नहीं किया था? बिकॉज़ हमारे स्कूल ने एक एक्स्ट्रा क्लास रख दिया था। वो सिर्फ कल के लिए था? हाँ मैम, आज भी है, बट लाइक मैंने मैम से बात कर ली, वो एक्चुअली कंप्यूटर साइंस, हमने अपना प्रैक्टिकल चेक कराना है। अच्छा, तो मैंने मैम से डिस्कस किया एंड 5 o'clock। अच्छा, 5 o'clock है, ओके। यस मैम, ठीक है, ओके अर्जुन, आप इसका रिवाइज कर लेना ये सब, और बाकी हम कल करते हैं। यस मैम, ठीक है। एक इस पे क्वेश्चन और रह गया है जो हमने कंसेप्ट किया है, उस पे एक क्वेश्चन है, वो हम कर लेते हैं। वो क्वेश्चन था यहाँ से, जब हम इसका पढ़ रहे थे रिलेशन ऑफ टेम्परेचर और एड्सॉर्प्शन का, तो उस क्वेश्चन को अभी हम कर लेते हैं, तो रह जाएगा। देखो इस पार्ट से कैसे क्वेश्चन आता है, हमने पढ़ा कि एड्सॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है? अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ है, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन है और यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक, यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो वेरी कर रहा है ऐसे। ये है T3, ये है T2, ये है T1, सेम इनके लिए प्रेशर है, ठीक है?
सेम इनके लिए प्रेशर है, और आपको पूछा है कि टेम्परेचर का ऑर्डर क्या होगा, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 या फिर T3 लेस देन T2 ग्रेटर देन लेस देन T1, क्या होगा इसका ऑर्डर। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है एडसॉर्प्शन जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ सो T1 T2 एंड T3 ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ये वाला। यस मैम। यही गलती होती है इसमें, ये गलत कैसे है ये सही कैसे है। देखो आपको पता है एडसॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये वाला जो T3 है इसके लिए एडसॉर्प्शन की सबसे कम वैल्यू है, ये T2 की ये वैल्यू है, ये T1 के लिए एडसॉर्प्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो अगर किसी के लिए एडसॉर्प्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू है तो वो टेम्परेचर तो सबसे कम हुआ ना, यस मैम। तो उससे क्या हुआ, उससे T3 जो है ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 हुआ, समझे। यस मैम। अब T3 के लिए एडसॉर्प्शन की सबसे कम वैल्यू थी तो वो सबसे ज्यादा वाला टेम्परेचर है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को यूज करके ये करना है, बहुत ध्यान से करना है क्योंकि कंसेप्ट यही है और क्वेश्चंस कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके ओके अर्जुन, थैंक यू मैम। ओके ऑल राइट बाय। यस मैम। ओके सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी फैक्टर एंड ओके पोस्ट दैट इज डिलीटेड राइट। सॉरी सेकेंड ऑर्डर इज डिलीटेड राइट। देयर आर सम टॉपिक्स दैट हैव बीन डिलीटेड, second order reaction, collision frequency and energy factors, but if you want then we can do it. No ma'am, like now just because for boards that is deleted topic. Only from the CBSE part. Yes ma'am. Yeah Pranavi, first you say. For the integrated rate law, the notes which you were taking, you said you will send. No ma'am, I actually didn't get it. Oh, I couldn't. Okay. Actually, I forgot it to send. I will be sending it today. Okay, ma'am. Okay. Chemical kinetics. I don't have any information about the deletion of the second order, but the concept of collision theory, activation energy, and Arrhenius equation have been deleted. Okay, ma'am. Okay. So second order we will be doing, and if you want that, then we can do collision frequency and energy factor also, because that topic will hardly consume 15 to 20 minutes, and that is a very important topic to do. Okay. And I believe that if we are doing, then we should do in a continuation. Okay, so first I will be teaching you about the second order and then we will be doing the pseudo order reactions. Okay, what about Joanna, do you want to do the deleted part? No ma'am, now I just want to finish the board portions before exams, that's it. Okay, and you Pranavi? Ma'am, let both portions get over first. The CBSE part. I'm saying because today we can complete the deleted part also. Okay, so it will take only half an hour. Okay, ma'am. Okay, and then we are done with the chapter. After this lecture, hardly we will have one other lecture and then we are done with the chemical kinetics. Okay, ma'am. Okay, so I'm sharing the screen. So it is already shared.
After this, which chapter do you want to start? Coordination or DNF block. Okay. Can we start with DNF block, Pranavi? Okay. After chemical kinetics? Okay. 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 So second order reaction. Now you both note down this after I will complete the derivation, okay? I won't be giving a PDF for this second order reaction. Okay. First, let me explain and let me complete it. Then you can note it down. Okay. First, listen carefully. We were assuming the reaction that A was giving us B. Okay. Now, the rate for this reaction, according to the rate law, it will be K into concentration of A raised to the power 2, right? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, why 2, ma'am? Why 2? Have you revised the zero order in zero order and first order reaction? We were explaining that rate law is equal to K into A to the power X. And this X was according to the order of reaction. So for zero order, we were taking K into A to the power 0. And for first order, we were taking K into A to the power 1. Okay. Yes, ma'am. Okay. So rate is equal to K into A to the power 2. And another rate reaction will be minus dA by dt. Okay. Now, these are the two equations. The same steps we will be following as we were doing for zero order and first order reaction. So it will be K into A to the power 2 is equal to minus dA by dt. Now, take dt to this side and A to that side. It will be K into dt is equal to minus dA by A to the power. Okay. Now, what is the next step? What is the next step? Integrating. Integrating. So it will be A naught to AT and it is 0 to T. So it will be KT is equal to integration of this. First minus we will be taking in common and then we will be putting these values. Okay. And how this integration will take place? It will be reactant of A minus 2 plus 1. By minus 2 plus 1. KT is equal to minus. This will be A to the power minus 1 and minus 1 with limits AT and A naught. Okay. Now the next step will be KT is equal to minus of A to the power. How can we write this? This will be how can we write this? This will be KT is equal to, directly we will be writing this as 1 by AT minus 1 by A naught. Okay, this will be the expression that we will be getting in second order reaction. How have we calculated this? If you calculate this, what this will be? This will be KT is equal to minus inside the brackets. This can be written as 1 by A. Okay. And this has minus 1 also. So this outside, it will be plus, and it has limits of AT to A naught. So what it will be? This will be KT is equal to 1 by AT minus 1 by A naught. Understood? Understood. Okay. So the expression that we were getting for K, for zero order and first order reaction, it will be this. Now we will be calculating for 1 by AT. It will be KT plus 1 by A naught. Now what is this form? This is Y is equal to MX plus C.
Okay, so with this, we will be plotting a graph. Y-axis will be 1 by 80. And what will be x? X will be t. And we have this intercept with a positive slope. So the graph will be like this. This will be slope. Slope is equal to k. And this part will be intercept. This part will be 1 by a naught. Okay, so the graph of this equation will be like this. First, note down this part, and then we will be calculating the half-life. Note down, or you can take the picture, screenshot, as you like. Let me know when you are done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Take this as well. Taken, ma'am. Done, Joanna? Yes, ma'am. Okay. Now we will be calculating the half-life. What was the half-life? Definition of half-life. Joanna? Ma'am, when time is half of the actual time. It is half-life. What about the concentration of reactant? When the concentration of the reactant is half of the initial concentration, it is known as half-life. Okay. So when the initial concentration is half of the final concentration, so can I write like this? At is equal to A naught by 2. Speak up. That the final concentration is half of the initial concentration. Can I write half-life like this? Yes, ma'am. Okay, so what was your KT relation? Your KT relation was KT is equal to 1 by AT minus 1 by A naught. Just remember that this T and U, you have to write outside the square brackets. Okay. Now you are known with that AT is equal to A naught by 2. So this KT, substitute the value of this. It will be 2 by A naught minus 1 by A naught. Okay. Now this KT is equal to 1 by A naught. And this T is T half because this is for half-life. So this is K into T half is equal to 1 by A naught. And what will be the value of T half? So this T half will be equal to 1 by K into A naught. Okay. So what can we say from here? We can say that half-life is independent of the concentration of reactant. Can we say it? Yes, ma'am. Okay. Note it down, this part. Done, ma'am. Okay. Done? One second, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Done, ma'am. Okay. Now for calculating the T half for any order, okay, we have a very important formula which states that T half lifetime is proportional to a to the power n minus 1. Okay, what is this? This A is initial concentration of the reactant, or we can say that T half is directly proportional to
a naught to the power n minus 1. This n is equal to order of reaction. So for what purpose this relation is used? This relation is used for the purpose that if we are asked that for a zero order reaction, okay, the question will be like this: for a zero order reaction, what is the relation? What is the relation between half-life and concentration of reactant? Okay, so for zero order reaction, what is the value of T-half? T-half for zero order reaction is A naught by 2K. If we calculate by this formula, then T-half is equal to 1 by A naught. Okay. To the power. For zero order reaction, we are calculating. So it will be 0 minus 1. So it will be 1 by A naught to the power minus 1. So it means that this A naught will go into numerator, right? Yes, ma'am. So what can we see from here? That T half is directly proportional to A naught. And from this relation also, we have what we have derived earlier, that T half is directly proportional to A naught. Yes, ma'am. So what will be the answer of this? That T half is directly proportional to the concentration of the reactant, the initial concentration. Okay. Same we will be applying for first order reaction. For first order reaction. So for first order, n will equal to 1. So T half is equal to, T half is directly proportional to A to the power n minus 1. So it will be T half directly proportional to, let's write this as in the form I have told you, A naught to the power n minus 1. So it will be A naught to the power 1 minus 1. So it will be 0, right? So this means that T half is independent. And if you remember, then for first order, I have told you that what is the value of T half? T half was equal to 0.693 upon K. This relation also proves that T half is independent on the concentration of reactant. And this formula will also prove, right? Ma'am, here it will be proportional to 1, right? Not 0. 1. I mean that A naught to the power, it will be 0. Okay, so it will be 1 by 1, it will be 1. Okay, my point was that T half is independent of the concentration of reactant, right? Yes, ma'am. Okay, so same will be applied for second order. If second order is n equal to 2, then what it will be? It will be T half is directly proportional to 1 to the power A naught. It will be 2 minus 1. That means that T half is inversely proportional to A naught to the power 0. And if you recall, then for when we derived half life for this, then half life was 1 by K into A to the power A naught. Okay, this also suggests that T half was inversely proportional to A naught. Clear? Yes, ma'am. Okay, so this formula is used when you don't remember about the T half relations, and the type of question is like, what is the relation between the half life or the concentration of reactant for any order? Okay, so this formula can be used to derive the answer. Clear, Pranavi? Yes, ma'am. Okay, so note it down and then we will proceed. Noted, ma'am.
Joanna, are you done? Yes, ma'am. Done, ma'am. Okay. Wait. Done, ma'am. We'll be completing this chapter in next class. Okay. Tomorrow we will be completing this lecture, this chapter. Okay. Then we can start surface chemistry also if you want. Okay. Now the next topic is it is pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction. Okay. So what are pseudo first order reaction? Pseudo means false. Okay. So the first order, the reactions which are called as first order reaction that are not actually the first order one. Okay. So those reactions are known as pseudo first order reaction. What are pseudo first order reaction? The reactions which are not actually first order reaction, but due to certain conditions, they are made first order. So those reactions are known as pseudo first order reaction. Okay. Now the most popular example for pseudo first order reaction is the decomposition of an ester. The example for pseudo first order reaction is CH3COOC2H5. It is reacted with H2O in excess in presence of an acidic medium. So we are getting acetic acid along with ethanol. Okay. If we want to calculate the rate of this reaction using the rate law, so using the rate law, this K is equal to, what will be it be? The concentration of a reactant. But here, two concentrations are given. One is an ester. Two reactants are given. One in an ester and one is a water. So here only we will be considering the ester part. Okay, in the rate law. And according to this, what will be the order? As the reactant is on, it will be one. So order will be one. And what is the molecularity? Molecularity is a number of reactants. So it will also be equal to one. Yes? Ma'am, why one? It should be two, right? That only I'm telling. Wait for a minute. Why it is pseudo first order? That is the heading. It is pseudo first order reaction. It should be a first order reaction. It should be a second order reaction, but due to certain conditions, it is a first order reaction. That is why it is known as a pseudo first order reaction, because here water is present in excess. So we won't be considering the concentration of this reactant. We will be considering only the concentration of an ester. And if we are considering only the reactant, then the order will be equal to one and the molecularity will also be equal to one. Okay. That is why this is a specific example of pseudo first order reaction. Otherwise, it would have been a second order reaction. Okay. Yes, ma'am. Okay.
Tanvi, any doubt? No, ma'am. Okay. What was the molecularity of a reaction? Number of molecules in the reactant side. Okay. And Pranavi, what was the order of reaction? Ma'am, to the power. Now I don't know. Can you give me an example for order of reaction? I made you write the definition of order of reaction. Have you not written? No, I have written, ma'am. Then? Ma'am, it's the power for... Power of? Like A plus B, B. Ma'am, can you, if you give a question, I'll be able to answer. I told you that, how can you calculate the order of reaction seeing the question? I told you that order of reaction is always calculated experimentally. But you have said one more thing, like A to the... See it. Order of the reaction. Power A, then that's... Wait. That A order, order of reaction. See. The order of the reaction. It is equal to sum of power of concentration term present in what? Rate law. What was the rate law? If I have a reaction that A plus B is reacting to give this product C, then the what is the rate law for this, Joanna? K. Joanna, what is the rate law for this? K, ma'am, K bracket A bracket B. Come to the power A, ma'am. X and Y. So the sum of this X and Y will give you the order of reaction. Okay. Okay. These X and Y are the order with respect to this reaction. This X and Y, I told you that this is these are not this this coefficients. If I had 2A and 3B here, then X is not equal to 2 and Y is not equal to 3. This order of reaction, it is calculated experimentally. But if you are asked to define the order of reaction, it is equal to the sum of the powers of concentration terms present in rate law. Now it's clear? Yes, ma'am. It's clear, Joanna? Yes, ma'am. Okay. Now don't forget it. Take the screenshot and note it down in your notebook. Take it 2A plus 3B. A plus B to give C. When you are done, let me know. I will be continuing the pseudo first order. Ma'am, sometimes when it is given like 2NO2 plus water or something, then when they find the rate law, they will say NO2 raised to 2 plus like into H2. Why NO2 raised to 2 they will put? When we are writing the rate law, like this, NH2 to 2. Can you give me an example where rate law has been written like this? This 2 is the summation of these 2 and this in the rate law. If it is 1 here, then the order of reaction will be 3. Okay. But this 2 is not this coefficient 2NO2. It is not the stoichiometric coefficient. The summation of this 2 and 1, if it is equal to 3, then this is the third order reaction. If it is equal to 1 and 1, it is second order reaction. Okay. But this 2 is not the stoichiometric coefficient in rate law. The addition of equation, and if it's like a numerical, if they give the equation and then they tell us to find the order, then how to find? Like you have been given that rate law is this, and the any equation you are given,
and you are set to find the rate law. Yeah. If we will be encountering such a question in your this NCERT, then I will explain you how to find. Okay. Okay. Otherwise, they would have given the order of reaction and they must have asked you about the rate law and anything else. I'm continuing with pseudo first order reaction. Otherwise, this will be left. Okay. Now write about pseudo first order reaction. There are some reactions. Note it down side by side and start from here. There are some reactions which are first order with respect to two different reactants. For example, we have been given an equation like A plus B will give a product. So the rate will be, like the equation will be K into A and B. Okay. So this means that this order is one. This means that the order of reaction with respect to A and B is one. Okay. So overall order will be two. This rate equation have been given to you and overall order will be two. Okay. But if one reactant is solvent and present in high concentration. Are you both writing? Yes, ma'am. Oh, ma'am, if one reactant, you'll give time for taking screenshots. Okay, I told you to write, but you can take the screenshot. But if one reactant is solvent and it is present in high concentration, okay, then it means that the concentration, it will remain constant throughout. There will be a little change in the concentration of the solvent. So under such conditions, we won't be considering that reactant in our rate law, which has the concentrations in its excess amount. So here, water is a solvent. Okay, it is present in an excess amount. So now our rate law won't be considering this excess solvent in its equation. So only the reactant which is present apart from this excess solvent, it will be considered in the rate law. Now, if only one reactant is considered, okay, now the odd molecularity will be one. And for this particular reaction, experimentally, it is determined that order is equal to one. Okay, so that is why it is a pseudo first order reaction. The molecularity of the reaction was to be two, but it is only one because the solvent which is present in high concentration, it is not considered for the rate law for this reaction, for the reaction of esterification. This is actually esterification, right? Because we are getting acid and alcohol as a product. Okay, so I'm continuing here, but if the reactant is a solvent and it is present in high concentration, then there is a little change in the concentration of solvent and it practically remains constant throughout the reaction. Okay, so under such conditions, rate is equal to K into only one of the reactants.
or we can write this as rate is equal to k naught into a, where k naught is equal to k into b. Okay, so for this reaction we have order molecularity is equal to 1 and order is equal to 1, and the example was this hydrolysis of ethyl acetate. Clear? Yes, ma'am. First, take the screenshot of this part. Now it's clear that why we are taking only one reactant, because this is a solvent which is present in high concentration, and its concentration will remain throughout the same in the entire process. So we are only considering the concentration of an ester, one of the reactant. Clear? Yes, ma'am. First, take the screenshot of this theory part and then the upper part. This reaction is also known as pseudo unimolecular reaction. Pseudo unimolecular reaction. Taken. Taken. Do you want me to explain this pseudo unimolecular reaction again, or it's clear? Yeah. Okay. Now we will be doing one more topic, that is rate determining step. What is rate determining step? This rate determining step, it is also known as RDS. This is the slowest step of a chemical reaction. Okay, and the rate law we actually write, rate law is written according to rate determining step. And this rate determining step, it gives us order of reaction. This much part is only sufficient for you for this grade. I'm taking an example. Actually, this example is not concerned with your syllabus. Only to explain how rate law is written according to rate determining step, I'm taking this example. So consider any reaction where two reactants, they are undergoing a reaction, and that is reversible reaction, and you are getting this product C, and this C on reaction with D, it is giving E. Let the rate constant for this reaction be K1. For this reversible reaction, this is K2, and for this reaction it is 3. Okay, and we know that and this reaction is a fast reaction, and for example this reaction is a slow reaction. This condition, I am supposing that this condition is like this. So now we have three reactions overall. How can it be three? First reaction is when A and B is combining to give C. What is for this the rate constant will be K1. What is the second reaction? When C with rate constant K2, the reversible one, we are getting B and A, right? Understood how I have written this second reaction? Yes. Okay. The third reaction is when C and D, they are combining with K3, and we are getting E.
Okay, now these two reactions, they were the part of a fast process, and this reaction was a slow process. Now, if I want to write the rate law for this, now we know that rate law, it is written according to the rate determining step. Now, I have told you that rate determining step is the slowest step. Okay, now if this reaction is the slowest step, so this is rate determining step, right? And if I want to write the rate law for this complete process, I will be writing the rate law according to the rate determining step. So what will be the rate law? Rate law will be, what is the rate constant? It will be K3, concentration of C and concentration of D, right? Yes, ma'am. Okay, so this is rate determining step. This was the explanation of rate determining step. Take the screenshot. Again, ma'am. Okay. Okay, now we have 15 minutes. We will be covering one more topic, that is method of determining the order. Okay, and in the next lecture, we will be doing temperature dependence on rate constant, Maxwell curves we will be doing, and we will be starting solving in-text questions. Okay, now I want that tomorrow, you should be thorough with the order of reaction part for zero order, first order, second order, and the part that I have told you today. Okay. And Pranavi, I will be sending the PDF at 6. Okay. Okay. After this meeting, you stay in the meeting, and Joanna, you can leave. Okay. I will let you know. Sorry. You didn't send me the PDF also. Okay. Pranay, I might have texted you that PDF. I've given you that attachment. Ma'am, one second, ma'am. In the chat box. Ma'am. In the chat box, I have attached that PDF. Joanna, I will be sending you. I forgot to send you. Pranay, you please check once, otherwise I will send you again. Okay, ma'am. Okay, so now the part I am telling you, that is the part only to note it down, and we will be doing the numericals based on this part tomorrow. Let me check if we have this part in your NCRT. Okay, so this part you don't have in your NCRT. Okay. So we will be skipping this part as of now. And we will be solving some in-text numericals, okay, in the remaining time. And that temperature dependence part, that I will take the class tomorrow. And tomorrow we will be completing the chapter, and rest of the questions we will be doing tomorrow, okay? Okay, so please open your NCRT book, the first in-text question, what it is. Okay, so what is the first in-text question? Have you opened? Both of you? In 1 second. Okay.
we will be starting with okay, the first one. Have you opened, Pranavi? Yes, ma'am. Okay. So the first question is that for the reaction for R2P, this is the first question, right? Yes, ma'am. Okay. For the reactant R, we are getting this product P, and the concentration of the reactant, it changes from 0.03 molar to 0.02 molar. Okay. So this is C1, concentration 1, then this is C2. Or we can write it as, this is concentration of R1 and this is 0.03 molar. And the concentration of R2, it will be 0.02 molar. And the time is given to be 25 minutes. What are you asked to calculate? You are asked to calculate the average rate of reaction. What was the formula for average rate of reaction? It was minus delta concentration of R upon delta T, right? Yes. So what it will be? Minus of delta. It will be R2 minus R1 because this is delta R. So it will be this will be minus of while we are substituting the value, we won't be considering this minus sign. Okay. 0.02 minus of 0.03 upon what is the time given? It is 25 minutes. Okay. So we will be solving this. This will be minus. Okay. And while we are solving this, this will be minus 0.01 upon 25. So it will be positive 0.01 upon 25. So it will be 4 into 10 raised to power minus 4 molar minute inverse. Okay. Now you are asked to calculate it to in seconds also. So what will you do? 1 minute is equal to 60 seconds. So you will be dividing this 4 into 10 raised to power minus 4 molar by 60 seconds. So it will be 6.6 into 10 raised to power minus 6 molar second inverse. Clear? Yes, ma'am. Okay. Now the second index question is, in a reaction, 2A gives a product. Okay. And the concentration of A, it decreases from 0. So the concentration of A, C1 will be, or you can say concentration of A, the initial one, it is 0.5 mole per liter. Now the final concentration of A given is 0.4 mole per liter. What is the time? It is 10 minutes. You are asked that calculate the rate during this interval. Okay. Rate during this interval. So what is this? This is average rate or instantaneous rate, Pranavi? Rate during this interval. Ma'am, it is during this interval. Ma'am, what is this? Instantaneous one. What is instantaneous rate? Ma'am, in uniform intervals. Uniform intervals? I have not taught you that instantaneous rate is uniform intervals. Have you revised the first lecture for chemical kinetics? Yes, ma'am. There I have taught you about average rate and instantaneous rate. Yes, ma'am. Rate at a particular instance using a speedometer. Now you are reading and telling me.
Yes, ma'am. So what will be rate during the interval? It will be average rate. Average. Shwana? Yes, ma'am. So average rate we need to calculate. We know that average rate is minus of delta concentration of A upon delta T, the same method that we have used before. 0.4 minus 0.5 upon it is 10. Okay, now you need to note that thing, that here it is 2A. So we will be using the stoichiometry, right? Yes, ma'am. So like whatever stoichiometry it is, we should divide it by it, that's it. Yeah, it will be 1 by 2. Okay, we will be dividing it. The stoichiometry will be in denominator. Okay, so it will be 10 into 2. Right? Yes, ma'am. Okay. So it will be minus 0.1 divided by 20, and rest you will solve and you will be getting the answer in mole, minute, inverse. Because you were given minute as a time unit and mole per liter is molarity, right? Or you can write this as mole, liter inverse, minute inverse also. Clear? Yes, ma'am. Clear, Pranavi? Yes, ma'am. Okay. So we will be doing one more question. And rest of the in-text question, you need to practice it today. And I will be taking your doubts. And NCERT we will be doing tomorrow. Ma'am, okay. Can you say which questions are deleted? For in-text? Yes, ma'am. And also yeah. Exercises. I will let you know for the exercises. For the in-text, last three in-text questions are deleted. Okay, ma'am. Okay. The next in-text question is that you are asked that the conversion of molecule X to Y, it follows second order kinetics. Okay. If the concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? Now you are said that X to Y. This is the fourth and next question. Third one you missed. Yeah, third we will be doing tomorrow. Okay. Now this X and Y, it is a second order reaction. And we are asked that if the concentration of the X is increased to 3 times. Okay, so first we will be writing the general rate law for this. Rate is equal to K into X to the power. If this is second order reaction, it will be 2, right? Yes, ma'am. Okay. Now you are asked that if the concentration of X is increased to 3 times, now the rate will be concentration of X is increased to 3 times. So it will be 3X to the power 2, right? Yes, ma'am. If the concentration of X, how will it affect the rate of formation of Y? So this K into X to the power square, I am assuming the concentration of this X to be A. So it will be KA square. And if X is A, so it will be K 3A square. It will be K, it will be 9KA square, right? Yes, ma'am. Now you notice that the rate is increased to be to 9 times. How much is the rate increased? Initial rate came out to be KA square and the final rate came out to be 9K square. So we can say that rate increases by 9 times. So these type of questions can also be asked in your exam. Understood? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let us do one more in-text question. It is based on first order reaction. If the first order reaction has a... What was the equation for first order? K is equal to 2.303 upon T log of... I have told you about this in the previous lecture. AT. Remember? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
So the rate constant for K is given to be 1.15 into 10 raised to power minus 3 second inverse. From this rate constant, I have told you that Joanna, I have told you that this second inverse, how this is for first order. How we were calculating this K? It was mole per liter to the power 1 minus x t to the power minus 1, right? Yes, ma'am. Then x will be 1. Remember so the mole how, yeah, second inverse. So it is confirmed that this rate constant, it is for first order. This part, Pranavi, I will be explaining you after I explain this question, okay? This part was missed with you. How long it will take for 5 gram of this reactant to reduce to 3 gram? So the initial A naught is 5, right? Initial amount. And it got reduced to 3 gram. So AT will be 3 gram, right? Yes, ma'am. And time has been asked. Can you calculate this? This K is given, A naught AT is given, and T is asked. But then they should give what is the value of log 5 by 3, right? Actually, some of the logs you need to learn, okay? The basic logs, log 0, log 0, 1, log 2, log 3, log 5, and log 6, okay? It is assumed that the student is aware of this log values and it won't be given in your exam. This log 5 by 3, what it will be? Given in log book, no, ma'am. Yeah, but logbook can be provided to you, but every student is not handy with the logbooks. Every student can't read the logbook. Okay, so I'm telling you how this is to be solved. This is log m by n. What is log m by n? Log m log n. So it will be log 5 minus log 3. So it will be log 5. If you are aware of the value, log 3, you are aware of the value, then you can calculate the value of this log. Okay, but if you know how to read the log book, then it is more easy for you. Okay, the basic values from log 1 to log 6. Log 6, you have to learn. Okay, and these are very simple values. They are not a difficult one. Okay? Okay. Yes, ma'am. Okay. So, yeah. The other two questions we will be doing tomorrow. And Joanna, you can leave and Pranavi, you stay. Yes, ma'am. Thank you. Okay.